बाद धमतरी की, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले के नगरी सिहाबा के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति और विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव समेत कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। बता दें कि नगरी के मुकुंदपुर में 8 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से भगवान श्री राम की प्रतिमा, श्री राम वाटिका, दीप स्तंभ, एलईडी ब्रांडिंग, सप्तऋषि की मूर्तियां, प्रवेश द्वार, एक कॉटेज समेत विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी दिक्कत हो, सरकार हर परिस्थिति में किसानों से 20 क्विंटल धान की खरीदी करेगी। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, चाहे किसानों की बात हो, श्रमिकों की बात हो, हम सभी के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गरणेश्वर महादेव और कुलेश्वर महादेव की पुण्य भूमि से माघी पुन्नी मेले की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने भगवान श्री राम के चरण जहां जहां पड़े हैं उन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी हमने ली है। पर्यटन विभाग के द्वारा 8 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि से विकास कार्य, जिसमें भगवान राम की मूर्ति के स्थापना, साथ ही सप्तर्षियों की मूर्ति और वहाँ विकास कार्य के आज लोकार्पण हुए हैं। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से जहाँ हम लोगों ने चंदपुरी से इसकी शुरुआत की, फिर श्री नारायण, चंपारण, राजिम और उसके बाद सेवा, और जहाँ जहाँ निर्माण बहुत जल्दी और 2 जगहों में इसका लोकार्पण होगा, तो ये जो पर्यटन परिपथ है उसे विकसित करने का निर्णय लिए, वो सफलता की ओर आगे बढ़ा।